हाय। सो आज का इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग रियल ऑटो को फेसबुक लीड कैंपेन का साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी स्टेप। तो इसके लिए फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में लीड इंटीग्रेशंस का एक बटन मिलेगा, जिसको क्लिक करके फेसबुक इंटीग्रेशन को क्लिक करनी है। जैसे ही आप फेसबुक इंटीग्रेशन को क्लिक करेंगे, आपका सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको कुछ फॉर्म्स है जिसको फिल करना होगा और साथ ही साथ आपका फेसबुक को कनेक्ट करने है। क्लिक द कंटिन्यू विद फेसबुक बटन। ऐसे ही आप कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा और वहां पे आपको ऑथराइज्ड करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड देके कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मुझे कंटिन्यू विद आयन साहब पे क्लिक करनी है एंड इट्स डन। तो अब आपका साथ में रियल ऑटो का कनेक्ट हो चुका है। अब आपको पूछा जाएगा कौन सा पेज का साथ में आप कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से बहुत सारा पेजेस आपका अकाउंट पे जितना सारा पेज होगा वो सारा पेज यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन सा पेज का साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कौन सा फॉर्म का साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक पेज के अंदर पे बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। आप जो भी लीड जनरेट कर रहे हैं, या तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली पता होगा कि कौन सा फॉर्म आप यूज कर रहे हैं लीड जनरेट के लिए, और अगर नहीं है तो फिर आप उस एजेंसीज या तो उस पर्सन को पूछिए जो आपका एड चला रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को उस पर्टिकुलर फॉर्म को कनेक्ट करनी है। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं जो फॉर्म को यूज कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करनी है। जैसे ही लीड आएगा तो आपको भी समझना पड़ेगा जब कौन सा प्रोजेक्ट के लिए लीड है, तो इसके चलते आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिस्टम में फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं तो फिर आप न्यू पे क्लिक कीजिए और प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, और अगर आप ऑलरेडी करके आए हैं विद द सेम प्रोजेक्ट नेम तो आपको अगेन टाइप करने का कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन से उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। सेगमेंट एक लेवल है जिससे आपको पता चलेगा अबाउट द लीड्स। तो जैसे मैं इसको सेगमेंट के हिसाब से फेसबुक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब जब भी लीड आए तो फिर मेरे पास में ये मैसेज आ जाए कि ये लीड जो है टेस्ट कैंप प्रोजेक्ट के लिए है और फेसबुक से आए हैं। तो ये जस्ट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब सिलेक्ट करना है आपको कैंपेन, मतलब जैसे ही फेसबुक का लीड्स आपका सिस्टम में आएगा किस तरीके का मैसेज आप भेजना चाहते हैं, इसके लिए कैसे कैंपेन बनाया जाता है एक अलग वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको आप वो वीडियो पहले एक बार देख ले कैसे कैंपेन किया जा सकता है, और जो जो कैंपेन आपने तैयार किए हैं वो सारे कैंपेन आपका इस लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से उस कैंपेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, नेम के जगह पे आप नेम सिलेक्ट कर लीजिए, फोन नंबर के जगह पे आप फोन नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, ईमेल के जगह पे आप ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। ये तीनों ही मैंडेटरी है। तो अगर आप ईमेल या तो फोन नंबर नहीं ले रहे तो फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, शायद सिटी, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा नेम ईमेल आईडी और फोन नंबर लेने के लिए। अब बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है मार्केटर बाय डिफॉल्ट फोन नंबर है यूजर्स का, उसको नहीं लेना चाहते और उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो उसके लिए एक अलग से कॉलम बनाते हैं जो कि प्लीज सेंड मी योर फोन नंबर, जहाँ पे कस्टमर्स को या तो यूजर्स को मैनुअली टाइप करना पड़ता है। सो इन दैट केसेस आपको फोन नंबर के लिए उस बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं शेयर हो व्हाट्सएप, यहाँ पे कस्टमर को व्हाट्सएप नंबर टाइप करना पड़ता है मैनुअली, तो फोन नंबर के साथ में मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा पास में जो फोन नंबर आएगा वो एक्चुअली में व्हाट्सएप नंबर होगा, लेकिन मैं उसको फोन नंबर के हिसाब से ही कंसिडर करना चाहता हूँ। नाउ अदर फील्ड्स, मैं बाकी सारे जो भी फील्ड्स मैंने बनाया हूँ यूजर्स के लिए वो सारे फील्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और इसको अभी के लिए मैंने फोन नंबर पे रहने देता हूँ। अब मुझे इसको सबमिट करना। जैसे सबमिट करेंगे आप नीचे देख सकते हैं इंटीग्रेशन डेट पे आपका करंट डेट आ जाएगा, कौन सा पेज का साथ में कौन सा फॉर्म आपने कनेक्ट किए हैं और उसका साथ में कौन सा कैंपेन नेम आपने कनेक्ट किए हैं, ये दिखाएगा। जहां जहां पर ये स्टार है ये सारे मैंडेटरी फॉर्म है। थैंक यू।